चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एंड इट इज क्लियर टू देम कि इनका कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। दिस इज अ थ्री टाइम प्राइम मिनिस्टर, द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, उसके ही हैज नो एक्सक्यूज ऑफ एनी एक्सपीरियंस। What is the justification that we to date do not have a foreign minister in Pakistan? Ab duniya ko dekho, kya ho raha hai? What country is safe? Do we really think that this is a time where foreign policy, we can afford for foreign policy not to be our priority? America se leke Turkey tak, तुर्की को छोड़े, इन द हमारा प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उसका मजार पे, यू आर नॉट सेफ। हाउ कैन यू अफोर्ड टू नॉट मेक, एज द लीडिंग वॉइस इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एज वन ऑफ द ओनली डेमोक्रेसीज इन द मुस्लिम वर्ल्ड, विद आपका यूनिक एक्सपीरियंस जो है दहशतगर्दी से लड़ने में, हाउ कैन यू नॉट मेक फॉरेन पॉलिसी योर प्रायोरिटी? How can you not have a foreign minister? कौन सा border है जहाँ tensions नहीं हैं आजकल पाकिस्तान में? LOC के उस तरफ पे क्या हो रहा है? Indian government क्या कर रहा है? अफगानिस्तान से हमारा ताल्लुकात कैसे हैं? What does it look like to the world जब मोदी अफगानिस्तान पहुँचता है? वहाँ अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट रिसीव्स हिम विद ओपन आर्म्स एंड सेज के वेलकम टू योर सेकंड होम, कोई जवाब भी नहीं आता है आपका फॉरेन ऑफिस। ईरान के साथ आपका नेबरिंग ब्रदरली इस्लामिक कंट्री दैट इज एक्सपीरियंसिंग अ फेज ऑफ ओपननेस दैट इट इज नॉट सीन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, जहां न्यूक्लियर डील हुआ है, when all the tensions were in Pakistan, jab Pakistan People's Party ka hukumat tha, and the world was saying we will put sanctions on you, aap ye Pakistan Iran gas pipeline ko sign nahi kar sakte. Sadr Zardari signed the Iran Pakistan gas pipeline. The Iran side of that pipeline is complete. There is no completion to the Pakistan side of that pipeline, magar ha LNG का तो डील हो गया है। इंटरनेशनल रेट्स आर समथिंग एल्स, पाकिस्तानी रेट्स आर समथिंग एल्स। यू कांट कंटिन्यू टू फूल द पीपल ऑफ पाकिस्तान। यू कांट एट दिस हिस्टोरिक मोमेंट फॉर आवर रीजन थिंक अबाउट, मैं अपना ऑफशोर कंपनीज कैसे बचाएंगे, मैं अपना वेल्थ को कैसे बढ़ाऊंगा, एंड नॉट वरी अबाउट एनी ऑफ दीज अदर थिंग्स। आप कैसे जाते हो इंडिया व्हेन मोदी इज इलेक्टेड? आई एम नॉट सेइंग, ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज एंड विल कंटिन्यू टू सपोर्ट अ पीसफुल रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर आप वजीर आजम हो, अगर आप बिजनेसमैन नहीं हो और आप एक लीडर हो ना, तो फिर आपको पता है कि आई हैव टू थिंक अबाउट माई कंट्री एंड द स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स टू माई कंट्री। The moral standing of the Indian Prime Minister was in question when he was elected. Uska visa bhi nahi tha, he couldn't go to America, he couldn't go abroad because of the incident in Gujarat, which we have not, the Muslim world has not received an appropriate explanation for. But at a time when we had something to say in response to some of the criticisms that often come to us and undermine our moral standing from India, our Prime Minister went there and gave him a clean chit. Not only did he do that, he refused to meet the Hurriyat Conference. But he, of course, met with some steel tycoons in India. We cannot tolerate. You haven't, आप लोग मेरे साथ थे, आपको पता है कि अवाम का रिस्पॉन्स क्या था जब मैं मोदी का नाम लेता हूँ। आपको पता है कि असली जलसा क्या होते हैं, और टीवी के लिए बनाने, ऐसे फ्रेम करने,
छोटे रोड में लाइट्स लगा के ये कुर्सीज लगा के यू सीन द पीपल्स रिस्पॉन्स देयर इज एब्सोल्युटली नो रैशनल लॉजिकल रीजन फॉर एनीवन टू वोट फॉर एनीवन बट द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन द आजाद कश्मीर इलेक्शंस ये पूरा पाकिस्तान के इलेक्शंस नहीं है ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शंस है और कश्मीरीज वोट डाल रहे हैं और मुझे पता है कश्मीरी लोग गैरतमंद लोग हैं द प्रायोरिटी इज के हमारा फॉरेन पॉलिसी अगर आपका प्रायोरिटी है कश्मीर का आज़ादी कश्मीर कोज पाकिस्तान's हिस्ट्री कश्मीर's हिस्ट्री आर स्ट्रगल फिर आप मुझे बताएं कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक वेयर हैज़ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम शोर एंड वॉट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द अदर पार्टी और वॉट इज़ देयर लास्ट थ्री ईयर्स हिस्ट्री टेल मी When has this Prime Minister raised this issue? How many times have you heard Azad Kashmir from his lips? Everybody is talking about it. Ek statement release karke ab kya kar rahe ho? What are you doing? Humne itna zyada sacrifices diye hain. Kashmir ke awam ne sacrifices diye hain, jaane diye hain. Hamare fauj ne sacrifices diye hain. How can you not address this issue? It's beyond my comprehension. So, if you are Kashmiri, you are in Kashmir elections, and you are a priority, I see no logical reason why you won't vote for the Pakistan People's Party. I understand that propaganda, if you rely on the media, but if you rely on the logic, it doesn't make any sense. Let's talk about education. Kashmir's literacy rate kya hai? It's the highest literacy rate out of all other provinces in the country. Hamara hukumat aane ke pehle koi medical colleges nahi the Kashmir mein. Aaj teen hai. Hamara hukumat aane se pehle sirf ek university tha. Aaj 6 hai. On what they demanded for delivery, jo good governance actually hota hai, wo ye cheeze hote hain. Good governance media cell nahi hota hai. Good governance is the reduction in employment rates, the literacy rates, the opportunities you provide people. Youth ko kya chahte hain is mulk? Education chahte hain aur rozgar chahte hain. Let's talk about the performance of the Noon League government on employment in this country. Aap People's Party ka performance nikale aur aap Noon League ki performance nikale. Ye numbers hai, ye facts hai, this is not advertisements. The national unemployment rate is above the Punjab unemployment rate. The national unemployment rate is, I believe, about 6.3%. The Punjab unemployment rate is close to 5.9%. The Sindh unemployment rate, it might surprise you to find, is 4.7%. What does this mean? Iska matlab ye hai ki hamara kaam se people are getting employed. We are focusing on human development and on the actual priorities of the people of Pakistan. Ad ke through, agar aap ek share mein sirf ek bus banayenge, that bus will employ only a few people. Agar aap pura subah pe kaam karenge, aur logo ko jobs milenge, aur logo ko mauka milenge, income will be distributed properly. Magar ye log capitalists bhi nahi hain. They're monopolists. Agar murghi bechna hai, तो उनका मुर्गी अंडा उनका अंडा स्टील उनका स्टील और फिर वजीर खजाना मार्केटिंग भी करेगा कि दाल महंगी है मुर्गी खाओ तो देर इज नो लॉजिकल रीजन इन माई माइंड कि द पीपल ऑफ आजाद कश्मीर आर गोइंग टू वोट फॉर नून लीग दे ओनली डाउट दैट आई हैव इज देयर एक्सपीरियंस इन रिगिंग Reports I have received of their intentions to have a violent election, to disrupt the electoral process, to provoke violence so that turnout in areas of their opponents is lower than theirs. I have a message for the Prime Minister of Pakistan. Agar aap is issue where there's such strategic importance. Jab ek message ja raha hai duniya mein. If you rig these elections, agar rigging hota hai,
अगर खून खराबी होता है तो आप 2014 का धरना भूल जाएंगे। हम जानते हैं कि जियाल हक के खिलाफ हमने कैसे लड़ा था, मुशर्रफ के खिलाफ हमने जैसे कैसे लड़ा था। एंड आई एग्री विद इमरान खान, द बिगेस्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी टुडे इज द वे ऑफ रूल ऑफ मियां नवाज शरीफ। आई डिसएग्री विद इमरान खान on the reaction of if any unconstitutional means were taken. I think he'll find that his supporters would be about the same as we saw in 2014 dharna, or the pro-democracy forces will look like Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto's arrival in Pakistan in 1986. Humne pehle bhi kaha tha ki jumhuriyat hamara intiqam hai. And I don't feel like the people of Pakistan would be able to tolerate, the Federation would not be able to withstand undermining of the democratic setup in Pakistan, the 1973 Constitution of Pakistan. It is just to be decided that if the threat to democracy comes from Takht-e-Raivand or somewhere else. Thank you. Ji sir. जी और यहाँ भी आज भी जो आपकी जो बात है उस पर हम देखते हैं, उसमें फोकस ये है कि नवाज शरीफ जो है उनकी हुकूमत है वो पाकिस्तान चलाने की अहल नहीं रही, उनमें अहलियत नहीं है, वो इस तरह से फ्लॉप हो चुके हैं और इसी तरह से मतलब इसने मिसट्रस्ट हो गया गवर्नमेंट के जितनी पॉलिसी थे सारा। तो अब क्या मुझे कम्प्लीट एंड आउटर कॉन्फिडेंस है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम हर कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम को इस्तेमाल करके इस हुकूमत को वी कैन होल्ड देम अकाउंटेबल एंड प्रेशराइज बाय यूजिंग आवर डेमोक्रेटिक राइट नॉट ओनली टू प्रोटेस्ट बट ऑल्सो द डेमोक्रेटिक फोरम्स अवेलेबल टू अस फ्रॉम द पार्लियामेंट टू द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो टू द इलेक्शन कमीशन। As far as their moral authority or my focus of the campaign has been purely on the issues of the Kashmiri people, and as far as their moral legitimacy is concerned, unka moral legitimacy ko bilkul hit laga hai is issue se. Iske aap sab pata hai ke Panama issue is the largest corruption scandal in the world, aur isme Nawaz Sharif ka naam hai. It's a matter of embarrassment for the people of Pakistan, hamara country ke liye sharmnak hai, there's no other way to describe it. Aur kitne mahine hue hain, 2 mahine, 3 mahine, April se hum keh rahe hain, khud kaha tha usne house mein khada hokar ki the accountability should start from the Prime Minister of Pakistan. Aaj tak nahi hua. At the time ke ye aadmi ye companies bana rahe the, ये ऑफशोर कंपनीज बढ़ा रहे थे, ये फ्लैट्स खरीद रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे, शहीद बीबी को हर ताले में घसीट रहे थे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी। सदर जरदारी को 12 साल तक जेल में रखा, टॉर्चर किया गया, टेप्स निकले वेयर द शरीफ फैमिली वाज ब्लैकमेलिंग जजेस के कन्विक्शन दो, कन्विक्शन दो, कन्विक्शन दो, इनहेरिटेड जमीन भी ले लो। तो अभी निकला है कि दे आर हिपोक्रिट्स, वो करप्शन के शोर 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 मचा रहे थे, गोबल्स बन रहे थे, इनोसेंट लोगों को कह रहे थे कि शहीद बीबी जो जान दे सकती है इस मुल्क के, जिस मुल्क के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जिसने इस मुल्क के लिए जान दिया है, उसकी बेटी वो करप्ट है,
मगर हम तख्ते रायबन वाले साफ सुथरे लोग हैं। अभी जवाब दो, अवाम जवाब मान रहे हैं। बिलावल साहब, ये बताइए कि आपने पंजाब की रूह को मदद की है। मेरा नाम कबीर शौकत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यहाँ पर वक्त हुआ है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने आप ही जलसे में कैपिटलिज्म को मुस्तरद कर दिया था और प्राइवेटाइजेशन को भी मुस्तरद किया। आपसे मेरा सवाल है पार्टी के हवाले से कि क्या दुल्कार अली भुट्टो शरीफ का जो मंशूर था, क्या पार्टी उस पर वापस जा रही है? और जो आज की पीपल्स पार्टी है, क्या वो ग्रास रूट लेवल पर जो पार्टी के नजरियाती लोग हैं उनसे नाकों का जो काम है वो कब तक खत्म होगा? दूसरा मेरा मुख्तसर सवाल, बहुत अहम, जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, 43 लोग शहीद हो गए। आपने आज़ाद कश्मीर से बहुत सख्त और बहुत मौसम बात की जिस मोदी साहब को भी तकलीफ हुई, लेकिन आलमी बरादरी UNO ह्यूमन राइट वायलेशन जो हो रही है अभी तक खामोश है, क्या कहेंगे आप आलमी जमीन पर? वो तो 10 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन नहीं थे। मैं शुरू करता हूँ हमारा नज़रियात से। हाँ, हम बिल्कुल, मैं तो द ओनली रीज़न मैं ये काम कर रहा हूँ इस ताकि मैं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मेरी माँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आइडियोलॉजी अनकम्प्लीटेड मिशन को कम्प्लीट कर सकें। तो बिल्कुल वो मेरा बेसिस है, माई फंडामेंटल component of not only the party policy but my own ideology is a individual. लेकिन हमने और इस पर काम शुरू किया है। हम we have started reaching out to not only old party members मगर civil society को left के लोगों से हम खत लिख रहे हैं, हम questionnaires भेज रहे हैं policy पे, structure पे, party पे। simultaneously मैंने हर सूबे के जो party था dissolve किया है। our committees are working on the grassroots to take workers' input in the forming of our new tanzeem. तो मैंने नहीं कहा था कि हम कोई धरना कहेंगे, मैंने सिर्फ कहा था कि ये लोग अगर नवाज शरीफ की हुकूमत रिगिंग करते हैं कश्मीर में, अगर खून खराबी करते हैं कश्मीर में, तो वो 2014 का धरना को भूल जाएंगे। जो मेरा प्लान है, जो पीपल्स पार्टी का स्ट्रैटेजी होगा, मैं अभी से आप इसको क्यों बताएं? थैंक यू। मैंने तो आपसे मिलना था, अभी मुझे मिलने दो। नहीं, क्या यार, मेरा अगर कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है तो मेरा सिंध पार्टी उसमें स्टैंड नहीं कर रहे हैं ना, मेरा कश्मीर पार्टी स्टैंड कर रहा है, मैं तो उस पर बात करूँगा ऑब्वियसली। जी 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 ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना था, लेकिन हो गया क्या? सर आप मुझे how does that undermine आपका प्रीवियस पोजिशन? हाउ इज मोदी द सेम एज वाजपेयी या राजीव गांधी या एनी अदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये इट्स द क्वेश्चन डोंट मैटर। आई डोंट सी द लॉजिक
in aapka question. Ye bilkul nahi hoga. Everybody wants peace. Magar aap ye brutality ko, what do you say? You can't be a pacifist and watch all the people around you just die. Ye jo zulm kar rahe hain Kashmir mein, why is it not front page news? Why is it not breaking news? It is an outrageous autocracy what is going on in Maqbooza Kashmir. I hope the international community, the United Nations, the world, prove that they are on the right side of history. I hope the Hukumat of Pakistan proves that they are on the right side of history. Win or lose, the Pakistan People's Party will always be on the right side of history. Aap sabka bahut bahut shukriya. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आजाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग के पास धांधली के सिवा कोई चारा नहीं, और अगर आजाद कश्मीर के इंतखाबात में खून खराबा हुआ तो हुकूमत 2014 का धरना भूल जाएगी। जमहूरियत हमारा इंतकाम है, हम उस पर कायम रहेंगे। पैनामा लीक्स के हवाले से भी उन्होंने बात की और कहा कि हुकूमत के एहतसाब के लिए हर आईनी और कानूनी फोरम इस्तेमाल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने खारजा पॉलिसी के हवाले से भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में काम करने का वक्त आ गया है। कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि जब से सियासत में आया हूँ कश्मीर का जिक्र कर रहा हूँ, कश्मीर के अवाम खारजा पॉलिसी को देख रहे हैं। आजाद कश्मीर के इंतखाबात तारीखी इंतखाबात हैं। आलमी बरादरी कश्मीर में मुजालिम का नोटिस ले, कश्मीर में लोगों ने जाने कुर्बान की, कश्मीरी गैरतमंद लोग हैं। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग के पास धांधली के अलावा और कोई चारा नहीं है। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली हुई तो हुकूमत 2014 का धरना भूल जाएगी। नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान की हिमायत करता हूँ। हुकूमत के एहतसाब के लिए हर आईनी और कानूनी फोरम इस्तेमाल किया जाएगा।